भारत में किसानों के बीच मछली पालन का व्यवसाय तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। सरकार भी किसानों को इस क्षेत्र की तरफ रुख करने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है। इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मत्स्य संपदा योजना चलाई जा रही है, जिसके तहत मछली पालन का व्यवसाय शुरू करने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाती है। सितंबर 2020 को पीएम मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई। इसे मछली पालन के क्षेत्र में अब तक की चलाई जाने वाली योजनाओं में सबसे महत्वपूर्ण योजना में गिना जाता है। इसके तहत किसानों को मछली पालन के लिए ऋण और निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत फिश फीड मिल लगाकर और तालाब बनाकर मछली पालन कर कृषक अपने व्यवसाय को बढ़ा सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कृषकों के उत्थान के लिए कई योजनाएं चला रहे हैं, उनमें से एक योजना मत्स्य संपदा योजना भी है। वहीं विभागीय अधिकारी इन परियोजनाओं का लाभ खुद कैसे ले रहे हैं, ये जानने के लिए हमारी ये के न्यूज़ की ग्राउंड जीरो पर जाकर पड़ताल की गई है। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत फिश फीड मिल की भी स्थापना करनी है, जिससे मत्स्य पालकों को मछलियों के लिए अच्छा भोजन मिल सके। वहीं इस फिश फीड मिल की जमीनी हकीकत क्या है, इसे लेकर दावों और हकीकत में बड़ा अंतर देखने को मिला। सीहोर जिले के ग्राम जहांगीरपुरा में फिश फील्ड प्लांट बनाना था। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक इस मिल को लेकर एक बड़ी राशि आवंटित भी की जा चुकी है, पर लंबे समय से ये मिल चालू ही नहीं हुई। कुछ एक मशीनें हमें मिली जिनकी पैकिंग तक नहीं उतरी है। इसके बाद हमारी टीम पहुंची उस स्थान को देखने जहां मछली पालन और मछली उत्पादन का सीहोर जिले के ग्राम मुआवडा। यहां मछली पालन के लिए तालाब स्वीकृत है, लेकिन जब ग्राउंड रिपोर्ट जानी गई तो कहानी कुछ और ही निकली। पर हकीकत में एक चमत्कार भी देखने को मिला। उस तालाब में मछली तो नहीं मिली, उसकी जगह पर धान उगते हुए जरूर दिखाई दिए, साथ में ढेर सारी गंदगी। सूत्रों की माने तो एक बड़ा लेन देन कर अधिकारियों ने इस योजना पर पलीता लगा दिया है। मत्स्य पालन तालाब का जायजा लिया हमारे संवाददाता सुनील मालवीय ने। उस वक्त हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के ग्राम मुआवड़ा में। यहाँ पर ग्राम मुआवड़ा में मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत तालाब का निर्माण कराया गया था, लेकिन ये तालाब मछली पालन के लिए इसका निर्माण किया गया था। आप देख सकते हैं इस तालाब में अभी हम आपको दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से धान उगाई जा रही है। निश्चित तौर से तालाब मछली के लिए खुदा है, लेकिन यहाँ पर धान की उगाई की जा रही है। आइए हम यहाँ पर जो कर्मचारी हैं उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ले चलते हैं हम आपको। राम गोपाल जी, कब से ये धान उग रही है यहाँ पर? दिन से उग रही, वो तो मतलब कितने साल हो गए? 10-12 साल से उग रही। और ये गड्ढा कब से है ये गड्ढा? ये तो बहुत दिन से है गड्ढा ही है, अभी कोई निर्माण नहीं हुआ यहाँ पर। मछली वछली पालन नहीं हुआ अभी, मछली नहीं पल रही है। और ये तालाब क्या भरा ही रहता है कि सूख जाता है? भरा रहता है वो, अभी 5-6 महीना भरा रहता है, फिर सूख जाता है पानी। हाँ, लेकिन बस धान ही उगती है उसमें, मछली नहीं उगती। मछली नहीं उगती, नहीं मछली छोड़ी नहीं तो होगी कहाँ से मछली। तो ये थे हमारे साथ यहाँ पर जो वर्कर हैं राम गोपाल जी, इनका निश्चित तौर से कहना है मछली इसमें अभी तक छोड़ी नहीं, तो मछली पालन होगी कैसे, इसमें धान उगाई जाती है। कैमरामैन इकबाल के साथ सुनील मालवीय, के न्यूज़ इंडिया, सीहोर। वहीं इस बारे में जब मत्स्य पालन विभाग की उप संचालक से हमने चर्चा की तो उन्होंने कहा कि मैंने भी कुछ तालाब का निरीक्षण किया है, कुछ तालाब मिले हैं और कुछ नहीं। इसकी जांच के आदेश दिए गए हैं और उच्च अधिकारियों को इसकी रिपोर्ट भेज दी गई है। अगर अगर मछली पालन योजना से अगर व्यक्ति कोई हितग्राही लाभान्वित हो रहा है तो अपना दायित्व भी बनता है कि समय समय पर जाकर उसका निरीक्षण करें और मत्स्य पालन की गतिविधियों से उनको अवगत कराएं, ताकि जो ये स्थिति निर्मित हुई भविष्य में ना हो। इस प्रकार की तो नहीं होना चाहिए कि अधिकारी हमारा कहेगा कि चालू है, फिर भी ये मेरी जानकारी में आप ला रहे हैं तो इस तथ्यों को मैं परीक्षण करवाऊंगा। अभी तक इस प्रकार का कोई मतलब संज्ञान में नहीं था मामला, अगर ये सब प्रकार का होगा तो उसका निश्चित ही परीक्षण करवाया जाएगा और शासन के जो नियम हैं उसके साथ हम कार्रवाई करेंगे। ऐसा मेरी जानकारी में अभी तक कोई प्रकरण नहीं है। सर, दो गाँव, एक मुआवड़ा, एक जहांगीरपुरा में फिश डे मिल बना हुआ है और मुआवड़ा में मछली पालन का तालाब बना हुआ है। मछली पालन जो है वहाँ पर धान उग रही है सर, जो रियल स्टोरी है। मैं आपको कहा ना कि जैसे भी हम किसी देखेंगे उसको, रिप को
पत्र करेंगे, उसकी जांच करवाएंगे, अगर कुछ ऐसा पाया जाता है तो कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जिस प्रकार प्रधानमंत्री कार्यालय से संबंधित योजनाएं हों या फिर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित योजनाएं, इनका क्रियान्वयन ठीक तरह से नहीं हो रहा, जिसका मुख्य कारण विभागीय उदासीनता और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार है, जिससे किसानों को शत प्रतिशत योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा, और यही कारण है कि सरकार की योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही हैं। केन्द्र इंडिया के लिए सुनील मालवीय की रिपोर्ट।